नमस्ते, राम राम जी। कैसे सभी भाई? अगेन स्वागत करता हूँ आज की कौन नई वीडियो पे। तो ये वीडियो किसी होम वर्कआउट या फिर किसी होममेड जिम इक्विपमेंट पे नहीं होने वाली है। तो इस वीडियो में अपन दिखाने वाले अपने घर की होममेड जिम, जो कि मैंने अपने हाथों से बनाई, अपने घर पर ही बनाई है। और बहुत सारे भाइयों कमेंट भी आते कि यार अपनी एक होममेड जिम पे वीडियो बनाओ। तो यार मैंने सोचा क्यों ना एक होममेड जिम पे वीडियो बनाई जाए। तो यार ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने डंबल्स से। तो आप लोग देख सकते हैं ये डंबल्स, ये सारे होममेड डंबल है। और हाँ यार, ये बहुत ही सस्ते में आप लोग बना सकते हैं। अगर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही सस्ते में इजिली घर पर ही बना सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये डंबल देख सकते हैं आप लोग, ये 5 kg के डंबल हैं, जो कि मैंने इस पर वीडियो भी डाल रखा। अभी 2 दिन, 2 या 3 दिन पर मैं शायद वीडियो डाल रखा, ठीक है। तो ये आप लोग वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। ये 5 kg का डंबल है, और ये जो देख सकते हैं ये 8 kg का डंबल है, ये 10 kg का डंबल। इनसे मैं अपनी चेस्ट का वर्कआउट करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। तो ये 10 kg का डंबल है, और ये आप लोग देख सकते हैं ये 4 kg का डंबल है, इधर ये 2 kg का और इधर 3 kg का, ठीक है। तो हम इससे अपना वार्म अप वगैरह करते हैं। अब आपको दिखाते हैं हैवी डंबल्स। तो ये आप लोग डंबल्स देख सकते हैं, ये आज से मैंने कितने दो हाँ 2 साल पहले मैंने ये डंबल बनाए थे। तो इनसे मैं अपनी चेस्ट का वर्कआउट करता हूँ, और ये थोड़ा हैवी डंबल है, ठीक है। तो मैं अभी इसको वेट नहीं किया हूँ, बट ये 15 kg के आसपास ये डंबल्स है। और ये डंबल पुराने जो मैंने स्टार्टिंग के दौरान बनाया, जो मैं स्टार्टअप में जो मैं वर्कआउट करता था, तो ये हमारे स्टार्टिंग के डंबल हैं जब मैंने स्टार्ट किया था ये वर्कआउट वगैरह। तो दोस्तों अब आप लोग को दिखाने वाला हूँ सेकेंड में अपनी ट्राइसेप्स पुली मशीन। इससे मैं अपनी ट्राइसेप्स का वर्कआउट बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेता हूँ। और हाँ यार, इस पर मैंने वीडियो भी डाल रखा, आप लोग वहाँ पर जाके जरूर चेक करें। तो अभी मैं आप लोग को वर्कआउट करके दिखाता हूँ इस पर। तो ये हमारे ट्राइसेप्स पुली में जो हमारा ये फर्स्ट वर्कआउट है, अभी इसमें आपको सेकंड वर्कआउट हम करके दिखाने वाले हैं, ठीक है। ये हमारी रोप जो कि बिल्कुल होममेड है, वीडियो पे आप लोग जाके ज़रूर चेक कर लेना। तो अभी इस पर हम सेकंड एक्सरसाइज करने वाले हैं, कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो गाइज़ यार बहुत ही ज़बरदस्त का पंप आता है। तो आप लोग को कैसा लगा हमारा देसी जुगाड़, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएँ। तो इससे मैं अपने ट्राइसेप्स का वर्कआउट बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। और हाँ यार, तो अगर आप लोग ये घर पे बना लेते हैं, तो यार मुझे तो नहीं लगता आपको जिम जाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से अपने घर पर ही वर्कआउट कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये बारबेल प्लेट है, और ये रॉड है, ठीक है, पतली रॉड है। तो हम इससे अपनी बैक का वर्कआउट करते हैं, और चेस्ट का वर्कआउट करने के लिए मेरे पास दूसरी रॉड है, वो भी अभी आप लोग को दिखाने वाला हूँ मैं। तो इससे मैं अपनी बैक का वर्कआउट करता हूँ, और ये रोप, ठीक है, इस रोप के सहारे मैं अपनी बैक का वर्कआउट करता हूँ। तो अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है, दिखाओ जरा इधर से। ये कुछ इस तरीके से अपनी बैक का वर्कआउट करता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त का पंप आता है हमारी बैक में, ठीक है। तो यार ये भी आप लोग घर पे बना सकते हैं, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला। दोस्तों अब मैं आप लोग को अपना अगला जुगाड़ दिखाने वाला हूँ, जो कि मैंने अपने चेस्ट के लिए बना रखा है। और ये भी आप लोग बहुत ही सस्ते में बना सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगने वाली, ज़्यादा पैसे आपको नहीं लगने वाले। तो ये देख सकते हैं, ये थोड़ा पास में हो, तो ये देख सकते हैं ये साइकिल का एक्सल है, जो जिसे हम हब बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में हब बोलते हैं इसे। तो ये आपको साइकिल की दुकान में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग परचेस कर सकते हैं। और ये सिंपली यार एकदम देसी जुगाड़, जो कि मैंने अपने हाथों से बैंड करके यहाँ पर बना रखा है। और ये रस्सी लगी हुई है, ये यहाँ पर पाइप लगी हुई है, तो ये मैंने वीडियो में शेयर कर रखा, आप लोग वहाँ पे जाके ज़रूर देखें, ठीक है। तो अभी इस पर मैं आपको वर्कआउट करके दिखाने वाला हूँ अपने चेस्ट का। दोस्तों एक नंबर का पंप आता है हमारी चेस्ट में। और हाँ यार, ये जुगाड़ ज़रूर आप लोग बनाए घर पे। और ये अगर आप लोग घर पे बना लिए, तो मुझे तो नहीं लगता यार आप लोग को जिम जाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग घर पर भी अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते तो हैं। अब हम अपना अगला जुगाड़ दिखाने वाले हैं, जो कि मैंने अपने बैक का वर्कआउट करने के लिए बना रखा है। और इस पर भी मैंने वीडियो डाल रखी है, इसको भी आप लोग जाके ज़रूर चेक कर लेना। तो थोड़ा लगे आओ, पास में आओ थोड़ा। तो ये आप लोग जो देख सकते हैं, ये गरारी, जो कि मैंने हार्डवेयर की शॉप से परचेस कर रखी है, और ये आपको 150 या 200 की मिल जाएगी। आप लोग वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हैं। और इसमें ये पतली रस्सी लगी हुई है। तो ये सारा जुगाड़ मैंने उस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रखा, आप लोग वहाँ पे जाके ज़रूर चेक करें।
सारी चीज़ों के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके जरूर चेक कर लें। तो अभी इस पे आपको अपनी बैक का वर्कआउट करके दिखाने वाले हैं, दिखाओ। दोस्तों अब मैं लास्ट में आप लोग को दिखाने वाला हूँ बेंच प्रेस। और हाँ यार, ये बेंच प्रेस हमारा टूट चुका है, ये जो इसमें हम बारबेल रखने के लिए जो सपोर्ट करते हैं ना, तो ये बेंच प्रेस हमारा टूट चुका है। तो अभी मैं नया बेंच प्रेस बनवाने वाला हूँ, तो ज़रूर वीडियो बना के आप लोग के बीच हम शेयर करेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं यार, तो कुछ चीज़ें हम हैं जो मतलब ऑनलाइन परचेस कर रखी थी, जैसे कि ये रॉड है, ये हमें स्पोर्ट की शॉप में हमें 800 या 900 रुपये की मिली थी बहुत दिन पहले, आज से 2-3 साल पहले मैंने खरीदी थी। तो वहाँ पर ये 700 या 800 की आप लोग को मिल जाएगी, स्पोर्ट की शॉप में भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी आप लोग को मिल जाएगी। तो ये बारबेल है कुछ जो कि मैंने ऑनलाइन परचेस कर रखी थी, और अभी आपको दिखाते हैं। ये डंबल से ये भी मैंने ऑनलाइन परचेस किए थे, जब मेरे पास ये सारे होममेड इक्विपमेंट नहीं थे, जब आइडिया नहीं था इसे बनाने के लिए, तब मैंने ये ऑनलाइन परचेस किया था। तो ये हमारे डंबल है 7 kg के, और कुछ चीज़ें और जो कि मैंने ऑनलाइन परचेस करी थी दिखाते हैं आपको। ये कुछ बारबेल्स हैं ये जो कि मैंने ऑनलाइन परचेस करी थी आज से मतलब 2-3 साल पहले, तो ये 7 kg की हमारी बारबेल है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये 3 kg का, ये भी 3 kg का, और ये भी 7 kg का। और लास्ट में आपको दिखाते हैं हमारा बारबेल जो कि थोड़ा मतलब यूनिक टाइप का दिखता है ये, इसकी भी मैंने वीडियो बना के अपने ही चैनल पे डाल रखी है, ज़रूर चेक करें आप लोग, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये हमारी बारबेल है जो कि लास्ट में मैंने दिखा दी आप लोग को। दोस्तों ये था हमारा सारा देसी जुगाड़ जो कि अभी मैंने आप लोग के बीच शेयर कर दिया, और उम्मीद करता हूँ यार ये सारे जुगाड़ आप लोग को अच्छे लगे होंगे। और अगर ये सारे जुगाड़ आप लोग को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ यार, लास्ट में मैं यही बोलूँगा आप लोग को, एक्सक्यूज़ेस बिल्कुल भी ना दे कि मेरे घर से जिम बहुत दूर है फिर मैं जिम नहीं जा पाता। मैं उम्मीद करता हूँ यार अगर आप ये सारे जुगाड़ अगर आप लोग घर पर बना सकते हैं तो ईज़िली यार आप लोग घर पर भी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने भी घर पर ही बॉडी अपनी ट्रांसफॉर्म करी। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।